SiteService India's inclusive education program is being implemented in 8 priority states, and we aim to ensure that children with disabilities receive quality education in an inclusive setting in all the government schools. मेरा नाम साजिद हुसैन है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। पहले मैं पढ़ नहीं पा रहा था बुक्स से, ना ही परीक्षा दे पा रहा था, और बुक्स से मेरे को कुछ नज़र भी नहीं आता था। उसके बाद मुझे लैपटॉप मिला, 10 दिन की ट्रेनिंग हुई। इस ट्रेनिंग में मेरे को लैपटॉप चलाना सिखाया, और उस लैपटॉप चलाने सीखने के बाद मैं यूट्यूब पे गूगल पे पढ़ता हूँ NVDA की मदद से। वो मुझे बोल के बताता है कि ये है, इसलिए मैं पढ़ सकता हूँ। मेन फोकस इसी पर है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जो भी दृष्टिबाधित या अल्प दृष्टिबाधित बच्चा है वो स्कूल से दूर ना रहे, स्कूल में रेगुलर आए। तो एक ICT की मदद से, एक टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह से एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सकता था, इस पर हमने फोकस किया। और एक टॉकबैक एक एप्लीकेशन होता है जिसको स्क्रीन रीडर एप्लीकेशन बोलते हैं, मोबाइल में ये वर्क करता है, और जो कि स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट जो भी कंटेंट होता है उसको रीड करके अनाउंस करता है, सुनाता है। तो वो सुन करके बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मैं YouTube खोलती हूँ, YouTube से सर्च करके या टाइप करके किताबों को खोलती हूँ और उसे पढ़ाई करती हूँ। मेरा नाम खुशवंत गैरी है, मुझे मार्च से अब फोन मिला है, इससे मुझे बहुत सीखने को मिलता है। वहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, उसमें मुझे फ़ोन चलाना सिखाया था। इसको ऐसे ऑन करता हूँ और बाद में यहाँ से सर्च करके मैं पाठ का नाम बोल के पढ़ता हूँ, और वो इसमें सारी बुक में है जो सारा कुछ पढ़ा देता है।